मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य था कि पूरी दुनिया में सतनाम का झंडा गाड़ दें। मैंने जितना पैसा कमाया नौकरी करके, 2006-07 में, 6 से समझ लो कि मैंने जॉब करना शुरू किया था, 2013 तक मैंने जॉब करी, जितना पैसा मैंने कमाया था मैंने सारा प्रचार में लगा दिया, सारे का सारा। कभी ये नहीं सोचा कि यार अपनी सेविंग्स रख लूँ, बैंक बैलेंस बना लूँ, बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, पैसों की ज़रूरत पड़ गई, कोई बीमारी आ गई तो क्या होगा, नथिंग। परमात्मा का काम समझ के, परमात्मा के कार्य में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की जो भी मैंने कमाया मैंने सब लगा दिया उसका कार्य समझ के। अब जब मैंने ये काम किया तो जिम्मेदारी कहाँ चली गई? परमात्मा पे। बाकी साधु संत भी हैं, खूब पैसा कमाते हैं, खूब दान चंदा लेते हैं, लेकिन उनको कहो कि 500 रुपया खर्च दो किसी को, कोई पर्चे छपवाने में, अखबार में बंटवाने में, इनकी नानी मर जाती है सबकी, जेब में आता है इनके जाता नहीं है, ये समझ लो, इनकी जेब में इनकमिंग है आउटगोइंग नहीं है। लेकिन परमात्मा की दया से मेरे दिमाग में कभी ये बात आई ही नहीं कि मैं कोई सेविंग कर लूँ, कि मैं कुछ पैसे बचा लूँ, बुढ़ापे में काम आएंगे, नेवर। क्योंकि बुढ़ापा नाम का जो शब्द है वो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, समझे, बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है। तो अपना एक ही लक्ष्य रहा कि कैसे भी मालिक के हंसों तक इस ज्ञान को पहुँचाना है, तो ये जिम्मेदारी चली गई परमात्मा के सिर पर। अब वो जाने, उसका काम जाने। तो उसने सबसे पहले क्या काम किया, पहले पूरा जोर लगवाया मेरा, खूब जोर लगाया। उसके बाद उसने किनारे बैठा दिया, अब तू बैठ जा, तेरे बस की बात नहीं है। और मैं भी बैठ गया कि मेरे बस की बात नहीं है भाई, क्यों? क्योंकि सारा पैसा ही खत्म हो गया। भक्तों से मैंने बोला कि 100-100 रुपये इकट्ठा करके आप लोग इकट्ठा आप कर लो भाई, मुझे मत दो, आप लोग इकट्ठा कर लो, कम से कम उस समय, कम से कम मुंबई में, महाराष्ट्र में 5,000 भगत कम से कम हमारे ही पंथ के एक बार में इकट्ठे हो जाते, और 5,000 बंदा अगर 100-100 रुपये दे देता तो 500,000 रुपया उस समय हर महीने इकट्ठा हो जाता। और मैंने तो ये भी कंडीशन नहीं रखी थी कि हम ही सत्संग करेंगे, टीवी पे प्रचार की बात कर रहा हूँ मैं, मैंने ये ऑप्शन दी थी कि क्योंकि वो 5,000 बंदा एक ही गुरु का नहीं है, अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग संगत इकट्ठी कर रखी थी वहाँ पे, लेकिन हमारा मकसद था कि सारे एक साथ आ जाओ, अलग अलग उंगली घुमा के मरोड़ के तोड़ी जा सकती है, लेकिन एक बार अगर मुट्ठी बन जाए तो खोलने में ही एक घंटा लग जाएगा, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इन लोगों से 100 रुपये भी नहीं निकले, 100 रुपया भी, ये समझ लो। और वही लोग अभी आश्रम में 1-1.5 करोड़ की दीवार बनी है, 1.5 करोड़ की दीवार बनी है, उसमें देने के लिए 20,000-25,000 भी निकल गए इन लोगों से, ये समझ लो। लेकिन अगर उस समय पे टीवी में प्रचार हो जाता, उस समय ज़्यादा नहीं 5-6 लाख का खेल था सारा, आज तो 10 लाख रुपए लगते हैं, तो ये ज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँचा होता। लेकिन वही बात है कि फिर 2020 वाली भविष्यवाणी कैसे पूर्ण होती अगर ये काम पहले ही हो जाता। तो परमात्मा सब कुछ ऑन टाइम करते हैं, तो इसलिए उस समय कुछ नहीं हो पाया और मुझे भी किनारे बैठा दिया कि तू भी बैठ जा, तेरे बस की बात नहीं है। और ये बिल्कुल सत्य है, मैंने भी हथियार फेंक दिए थे कि भैया ये जंग हम नहीं जीत सकते, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं। क्योंकि जब मैं इस पंथ में आया था 2010 में, तो मैंने जो ग्रंथ पढ़े थे, इसी पंथ के ग्रंथ, अभिनंदन ग्रंथ जब मैंने पढ़ा तो मेरे इतना तो समझ में आ गया कि यही वो पंथ है जो पूरे विश्व में फैलेगा, क्योंकि उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, चौथी गद्दी हुई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम उनके सिर बैठब आई, वासे पार कोई नहीं पाई, चौथी गद्दी से ही पूरे संसार में डंका बजेगा, ये उसमें क्लियर लिखा हुआ है। चौथी गद्दी
होई अवतारा डंका बाजी सब संसारा, ये उसमें लिखा हुआ है। और ये 2010 में ही मैंने, जब मैं इस पंथ में आया था तो मैं समझ चुका था कि यही वो पंथ है जिसका डंका बजेगा, क्योंकि यही वो गुप्त ज्ञान है, यही वो गुप्त पंथ है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। ग्रंथ में से वाणियाँ ऐसी पंथ की छाप रखी हैं महान महान पंथ वालों ने, राधा स्वामी वालों ने, रामपाल जी वालों ने अपने ग्रंथों में इसी पंथ की वाणी छाप रखी है। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। लेकिन इन्हीं पंथ वालों से पूछो ये वाणी किसकी है, तो ठाए ठाए गोपाल, किसी को कुछ नहीं पता। दो एडिशन है राधा स्वामी वालों के, पहले एडिशन में क्या लिखा है कि ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है सोई गुरु पूरा कहा, और दूसरे एडिशन में क्या लिखा है मदन साहिब ऐसा कहते हैं, और तीसरा एडिशन पूरा ग्रंथ ही निकल के आ गया मदन साहिब के नाम पे, पूरा ग्रंथ छाप रखा है। और क्यों छापा है, मैंने सालों साल जाके इनके कान खाए, इनके पाठियों के, इनको ग्रंथ दिखाया, इन्हीं का ग्रंथ खोल के दिखाया और पूछा उनसे कि भैया हमें जानकारी दो ये मदन साहिब कौन है। कुछ नहीं पता था इनको कुछ भी, लेकिन इतने पाठियों को मिला मैं, इतने लोगों को मैंने प्रश्न किया कि बात ऊपर तक पहुंच गई मैनेजमेंट तक, तब जाके इन राधा स्वामी वालों ने, क्योंकि पाठियों ने बार बार पूछा, दिमाग खाया, अब पाठियों की शंका का समाधान नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। संगत को तो कह भी देंगे चुप रहो पाठी तो सत्संग कर रहा है, उसी किताब में से सवाल आ रहा है सामने, ऊपर से मैंने यूट्यूब पर भी डाल दिया था, आपने देखा होगा, एक काफ़ी पुराना 2014-15 पता नहीं 16 में मैंने एक वीडियो डाली थी, सिंगल वीडियो डाली थी मैंने इसी ग्रंथ की। तो वो वीडियो भी जब वायरल होने लगी तो इनको पसीने आ गए कि दिक्कत हो जाएगी, तब इन्होंने पूरा ग्रंथ छाप दिया। अब इनसे कोई पूछने वाला हो, अब कहाँ से मिल गया तुम्हें ग्रंथ, अब कहाँ से ग्रंथ मिल गया, तो कह रहे हैं कि दिल्ली की लाइब्रेरी में हमें मिला ये ग्रंथ। अगर तुम्हें दिल्ली की लाइब्रेरी में अब मिला ग्रंथ, तो पहले कहाँ से वाणी आ गई तुम्हारे पास। इतने शातिर लोग हैं, इतने चालबाज लोग हैं, अगर तुम्हें वो ग्रंथ अब मिला है दिल्ली की लाइब्रेरी में, इन्होंने अपने ग्रंथ में जो शुरुआत में होता है पूरा इंट्रोडक्शन, उसमें इन्होंने ये लिखा है कि हमें ये ग्रंथ दिल्ली की लाइब्रेरी में अभी मिला है कुछ दिन पहले,